सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से मैं एक ऐसी कहानी आपके लिए लेके आऊँगा जो आपने ना कभी सुनी होंगी ना जानी होंगी, और ऐसी सच घटनाएं जो छुप गई, जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं है, और मैं बहुत ही रिसर्च करके इन चीज़ों को निकाला हूँ। आप सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा होता था हमारे देश में, ऐसी कहानियाँ हैं। तो मैं रेफरेंस कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ आप जानिए, सुनिए, पढ़िए, मज़ा लीजिए और ज्ञान अर्जन कीजिए साथ ही साथ में। बाकी बहुत ही गोपनीय बात है, इसलिए कुछ भी इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ जानना है और समझना है इन चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन कहानियों में ये सभी सारी कहानियाँ खतरनाक हैं और ये सच्ची घटनाएँ ऐसी हैं कि जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत के आज़ाद होने से 1947 ईस्वी की ये कथा है। तो जो ये गोपनीय बातें हैं वो किसके साथ घटित हुई, कैसे घटित हुई, उन्हीं सब पे मैं आज बताऊंगा। तो सन 1947 की बात है, होली की रात में मैं गोरखपुर में था और वहाँ पर, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखी है, गोरखपुर में मैं था, इसका मतलब आप ये मत लगाइएगा कि मैं था वहाँ पे, कोई और है, तांत्रिक है ये जिसके बारे में। तो ये गोरखपुर में थे और इन्होंने सोचा कि गोरखपुर मंदिर के पाप में जाया जाए और वहाँ दर्शन वगैरह किए जाएं। तो फिर शाम का समय हो चुका था, धीरे धीरे इन्होंने पूजा वगैरह वहाँ पे की। पूजा वूजा करने के बाद में फिर अचानक इनका मन हुआ कि चलिए मंदिर के पीछे का जो हिस्सा था उसमें घूमा जाए, और काफ़ी इधर उधर तो ऐसे ही चलते चले गए। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, पीपल, बरगद, आम, पाकड़ वगैरह के, 1947 की बात है। तो धीरे धीरे एक सकरी पगडंडी सी इनको दिखाई पड़ी और वो एक गांव की तरफ जाती थी। फिर पता नहीं इनके मन में क्या आया, इन्होंने सोचा, और वो धीरे धीरे उन घने घने ऊँचे पेड़ों, झाड़ियों, झुरमुटों वगैरह से गुजरते हुए, और जो पत्तियाँ होती हैं उन पर पैर रखते हुए, सूखी पत्तियाँ, तो चर चर की आवाज़ भी आती है उनसे, उस तरह से चलते हुए धीरे धीरे करके अंदर जाने लगे। एक समय आया कि जब जहाँ पर खुली खुली हरी गरी घासों का मैदान आ गया और उनको बड़ा अच्छा लगने लगा है। फिर वहाँ पर एक थोड़ी ही दूर पे एक माता का, काली माता का मंदिर था जो काफ़ी पुराना था और काफ़ी ख़राब स्थिति में था। जो मंदिर का दरवाज़ा था वो भी टूटा हुआ था, उस पर जो है वहाँ पर लाल रंग वगैरह सब गिरा हुआ था चारों तरफ, अजीब सी एक विचित्रता थी वहाँ पे। तो ये अंदर वहाँ पे जाने लगे धीरे धीरे करके। आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि वहाँ जो मंदिर है उसके अंदर से थोड़ा सा उजाला भी आ रहा है। तो मंदिर के पास गए और देखा तो दीपक जल रहे थे, और दीपक माता के सामने जलाया हुआ था। वहाँ पर माँ की जो मूर्ति थी, काली माता की मूर्ति, काफ़ी बड़ी विकराल स्वरूप में थी और बिल्कुल काफ़ी भयानक सा उनका चेहरा, और एकदम से रुद्र रूप में जैसे माता दिखाई पड़ती हैं उस तरह नज़र आ रही थी। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ये उन्होंने देखा कि ये किसी, यहाँ पर थोड़ा सा लाल रंग पुराना गिरा हुआ है। ध्यान से देखने पे लगा कि ये जो था किसी ज़माने में यहाँ पर नरबलि वगैरह दी जाती होगी या कोई बलि दी जाती होगी, तो इसीलिए उनके खून वगैरह पड़े थे। तो वहाँ पर पंचमुंडी का आसन था माता का, जिस पर वो भयंकर स्वरूप में प्रतीत हो रही थी। चारों तरफ जो है चौमुखा एक दीपक था, वहीं पर जल रहा था। उसको देख के इन्होंने सोचा कि ये तो कोई स्पेशल या बड़ी ही विचित्र जगह है। एक थाली भी रखी हुई थी वहाँ पर, नारियल उसमें रखा था, माला था, पुष्प थे, फूल और सिंदूर वगैरह सब वहाँ पर देखने के बाद, तब तक इनको किसी ने पुकारा और चिल्लाया, सुदर्शन कुमार इधर आओ। तो ये इधर उधर देखने लगे कि आखिर सुदर्शन कुमार यानी मुझे कौन पुकार रहा है। देखा इन्होंने जाकर के तो एक अघड़ साधु जो है शेर की खाल के ऊपर बैठा हुआ इनको जो है पुकार रहा है। उसका जो रंग था शरीर का वो बिल्कुल काला सा था, और मस्तक पे जो है उसने सिंदूर का टीका लगा रखा था,
और जैसे बाबा लोग होते हैं उसी तरह उसने माला रुद्राक्ष की, स्फटिक की, हड्डियों की और इस तरह पूरा पूरा भरा हुआ था उसका जो छाती है इन तरह की मालाओं से। तो ये कोई कपालिक तंत्र का साधु उनको लग रहा था। धीरे धीरे करके जैसे ही उसके पास गए कि मैंने प्रणाम किया उनको, जैसे ही मैं प्रणाम किया वो हंसने लगा और तब तक उसके बगल में जो उसने कपाल खंड होता है, जो कपालिक लोग होते हैं ज़्यादातर वो कपाल खंड रखते हैं, उस कपाल खंड में नरकपाल जो होता है उसमें डाली उसने शराब पूरे और वो पी गया, जो आदमी की खोपड़ी होती है उसमें शराब डाल करके वो धीरे करके पी गया और अपना फिर मुँह पूछा और फिर कहने लगा कि तुम आए, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये इनको जो है थोड़ा सा अजीब या विचित्र सा लगा कि मैंने सोचा कि आइए मेरे को कैसे जानता है और कैसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो फिर उसने कहा कि बेटा मैं तो बहुत ही समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, देखो कितना समय निकल गया। मैंने कहा ये दारू पिया बैठा है, ये शायद पता नहीं अत पगला सा हो, कोई साधु है। तो इसने कहा कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। और उसने कहा चल मेरे साथ, माँ तेरा कल्याण करेगी, मैं जानता हूँ तू माता का भक्त है। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, ये अगर मुझे कुछ कह रहा है तो। मैंने उनसे कहा महाराज मैं गलती से जिज्ञासा बस इधर उधर मंदिर के पीछे से गुजरता हुआ इधर आ गया और जान नहीं पाया हूँ, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं भटक गया हूँ। तो उसने कहा भटके कहाँ, तू तो सही जगह आया है रे, यहीं पर तुझे सारा सब कुछ जानने को मिलेगा। अब मैंने देखा कि ये मुझसे कह रहा है बाहर चलने के लिए। मैंने कहा ठीक है चलिए इसके साथ चल देता हूँ। तो मैं इसके साथ धीरे धीरे घर उस मंदिर से बाहर निकला। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और पेड़ के चारों तरफ चबूतरा सा बना हुआ था। तो चबूतरे पर बैठने के लिए उससे मुझसे कहा और मैं चुपचाप बैठ गया। और उसने जो है तो उसने पूछा कि तुम तो माँ के भक्त हो ना, तो मदन सिंह से मिला आए हो, दीवान मदन सिंह। मैंने कहा कौन मदन सिंह, आप किस मदन सिंह की बात कर रहे हैं। तो वो हंसने लगा, उसने कहा तुझे मदन सिंह नहीं मालूम, अरे मदन सिंह राजा मदन सिंह। मैंने कहा राजा मदन सिंह क्या कह रहे हो बाबा। उसने कहा मदन सिंह को नहीं जानता अरे गधे, तू मदन सिंह यहाँ का राजा है, ये गोरखपुर का सारा क्षेत्र इसके अधिकार में है। तो मैंने कहा मदन सिंह राजा, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था तो फिर मैं हंसने लगा। मैंने कहा मदन सिंह राजा तो यहाँ का हुआ था गोरखपुर का, लेकिन वो तो हजार साल पहले की बात है, वो सन 900 से 950 ईस्वी में गोरखपुर के शहर का राजा था, वो थारू, एक थारू राजा के नाम से वो जाना जाता था। तो कहने लगा गधा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही कह रहा हूँ, तू क्या उससे मिलकर नहीं आया। मैंने कहा नहीं बाबा, ये तो हजार साल पहले की बात है, आखिर ऐसी गोलमोल बातें आप कर क्यों रहे हो। तो वो कहने लगा अच्छा तो बता ये कौन सा सन है। तो मैंने कहा सर ये तो 1947 ईस्वी है। तो कहने लगा झूठ बोलता है, अरे ये तो 900वीं सदी है, 900 सदी मतलब 936-37 की वो बात कर रहा था। तो मैंने कहा ये पागल तो नहीं है, लेकिन फिर उसने कहा अरे अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तुझे बताऊं कि मेरी साधना सफल हो गई है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा आपको। मैंने कहा कैसी साधना, आप कौन सी साधना की बात कर रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित होके तो उसने कहा मूर्ख मैं त्रिकाल सिद्धि कर रहा था, मैंने माँ तारा के सामने त्रिकाल सिद्धि करने की प्रतिज्ञा ली थी और ये त्रिकाल सिद्धि का ही असर है, देख तू मैं भविष्य में आ गया हूं और तू वर्तमान को पीछे छोड़कर भूतकाल में आ गया है। मैंने कहा ये कैसी बात आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा त्रिकाल सिद्धि होने पर साधक इच्छानुसार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों किसी भी काल में प्रवेश कर सकता है, वह हजारों वर्ष पीछे में जा सकता है और भविष्य में भी जा सकता है, वो त्रेता में जा सकता है, द्वापर में भी जा सकता है, कलयुग में भी हो सकता है।
वो कहीं पर भी कभी भी प्रवेश कर जाएगा। मैंने जब उसे सुना, मैंने कहा बाबा क्यों मजाक कर रहे, कह रहा तू तो मूर्ख है ही है और जानता है मैंने इसके लिए स्वयं नरबलि भी दी थी। मैं जैने कहा नरबलि? हाँ मैंने नरबलि भी दी थी और ये तो देना तो आवश्यक होता है, वरना माता तारा प्रसन्न कैसे होती। मैंने यही बलि दे करके उनसे सिद्धि लगता प्राप्त हो गई है मुझे। आज देख मैं भविष्य में खड़ा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। मैंने कहा बाबा तंत्र की भाषा मुझे समझ में नहीं आती है, तंत्र क्या है और कैसे इतनी बड़ी शक्तियाँ या सिद्धियाँ हो सकती हैं। तो बोला कि देख मूर्ख, हमारा शरीर जो है दो भागों से बना होता है, एक होता है ज्ञान वाला भाग, दूसरा होता है कर्म वाला भाग। जो गर्दन का ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम ज्ञान वाला भाग कहते हैं, और जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा होता है वो कर्म वाला भाग होता है। अर्थात गर्दन से ऊपर पे हम ज्ञान को अपने संचय रखते हैं, यानी इकट्ठा रखते हैं। अगर ऊपर का भाग ना हो तो हमारा ज्ञान हमें प्राप्त ही ना हो, अगर नीचे वाला भाग ना हो तो हम कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे जैसे खाली सर हो तो सिर्फ वो ज्ञान से भरा होगा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, और अगर खाली नीचे का हिस्सा हो धड़ तो वो कुछ भी सोच नहीं पाएगा, उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं होगा। यही मोक्ष और बंधन का कारक है। नरबलि होने पर दोनों में से एक की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ज्ञान खंड बढ़ जाता है या फिर कर्म खंड बढ़ जाता है। मैंने कहा आपकी बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब वो आगे कहने लगा कि मैंने 20 साल तक कठोर तांत्रिक साधना माँ तारा के सामने की, फिर नरबलि देकर उन्हें प्रसन्न किया। फिर मुझे सन 927 ईस्वी में तेरे आज के समय के हिसाब से मुझे भूतकाल की सिद्धि प्राप्त हुई। फिर मैं भविष्यकाल के लिए कठिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठ गया और सोचा कि जब मैं उठूंगा तो मुझे भविष्य की सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी होगी। अब देख मुझे भविष्य की सिद्धि भी मिल चुकी है, अब मैं आज से भविष्य में सदैव के लिए प्रवेश कर जाऊंगा अब बलि देकर। मैंने समझा नहीं, मैंने कहा बाबा मैं समझा नहीं कि अब तो आ ही चुका है ना, अब तेरी ही बलि में दे करके भविष्य काल में सदैव के लिए प्रवेश कर जाऊंगा और जब चाहूंगा मैं भूतकाल में पहुंच जाऊंगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये तो मेरी ही बलि देने के मूड में लग रहा है, ये तो पागल हो गया है बुढ़ा, ये कहीं मेरी बलि देकर मुझे जान से ना मार दे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। अगला पार्ट मैं जल्दी ही आपके लिए डालूंगा। धन्यवाद।